हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वामी एस्मायु एंड मैं हूँ लक्ष्मी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग भी ठीक होंगे, घर में होंगे एंड सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं फ्लिपकार्ट की साड़ियों का रिव्यू शेयर करूंगी आप लोग के साथ, एंड ये भी शेयर करूंगी कि साड़ियों की क्वालिटी कैसी है, प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी है कि नहीं अच्छी है, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ये सारा कुछ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो मैं सबसे पहले साड़ी दिखाऊंगी ये कुछ इस तरीके की बनारसी साड़ी है, एंड बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। आज की सारी ही साड़ियाँ 1000 के करीब हैं, बट साड़ियों की क्वालिटी एंड साड़ियाँ देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में इन तक, मैं आपको एक करके साड़ी दिखाती जाऊंगी। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट साड़ी है ये कुछ इस तरीके की है। ये देखिए, इसका पल्लू ऐसा दिया गया है, ये इसमें वुवन वर्क हो रखा है। इस साड़ी का मटेरियल है कॉटन ब्लेंड, एंड इस तरीके का पल्लू दिया गया है। ब्लू एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। ऊपर के साइड में आपको इतना पतला सा बॉर्डर दिया गया है, ये देखिए, एंड नीचे के साइड में अगर आते हैं तो इतना चौड़ा सा बॉर्डर दिया गया है। ये इस तरीके का ब्लू एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में साड़ी है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही साड़ी। सबसे अच्छी बात कि ये जो इसका पैटर्न दिया गया है ना, ये ना ही बहुत ज्यादा बड़ा है और ना ही बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम घना घना सा दिया गया है। और ये पूरा ही वुवन वर्क है, ये देखिए, ये पूरा वुवन वर्क है, एंड ये जो आप देख रहे हैं बॉर्डर में, ये जरी से सारा वुवन वर्क किया गया है, और पूरी ही साड़ी इसी तरीके की है, ये देखिए ऐसी, ये इस तरीके की। एंड लास्ट में ब्लू कलर का, जैसा साड़ी है वैसा ही ब्लू कलर का इसका ब्लाउज दिया गया है। अगर इस साड़ी के साथ आप कोई हैवी एम्ब्रॉयडरी का ब्लाउज मिक्स एंड मैच करती हैं हाफ स्लीव का, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है इस साड़ी के साथ। तो अगर आपके पास है कोई एम्ब्रॉयडरी का हैवी ब्लाउज ब्लू कलर का, तो आप मैचिंग कर सकती हैं, बहुत स्मार्ट लगने वाला है। ये इसके साथ इस तरीके का ब्लाउज दिया गया है, ये भी अच्छा लगेगा। साड़ी की जो लेंथ है 5.5 मीटर है, एंड ब्लाउज का लेंथ है 0.8 मीटर। ब्लाउज भी पर्याप्त है, एंड साड़ी की भी प्रॉपर जितनी लेंथ होनी चाहिए उतनी लेंथ है, और साड़ी का कलर, एवरीथिंग, फैब्रिक, सब कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये साड़ी 1100 समथिंग में है, अगर आप प्लस मेंबर हैं तो आपको 1000 के करीब में मिल जाएगी। तो ये मुझे 1000 के आसपास पड़ी है साड़ी, मैं इसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आपको पसंद आती है तो मैं इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकती हैं और परचेज भी कर सकती हैं। तो ये थी आज की हॉल की फर्स्ट साड़ी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए नेक्स्ट साड़ी देख लेते हैं। नेक्स्ट साड़ी देखने से पहले, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल सेम इसी नाम से है, स्वामी एस्मायु के नाम से, तो जाइए और फटाफट फॉलो कर लीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी अच्छे अच्छे पिक शेयर करती रहती हूँ, और अगर इन सारी साड़ियों के प्रॉपर लुक आपको देखना है तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अगर आपको कुछ पूछना है, बात करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैं कोशिश करती हूँ सबका रिप्लाई करने का। जो नेक्स्ट साड़ी है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत साड़ी है। अगर आप किसी की शादी में ब्राइड को गिफ्ट देना चाहती हैं तो ये साड़ी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप अफोर्डेबल ढूंढ रही हैं तो बहुत अच्छी है। ये कुछ इस तरीके की साड़ी है, रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन है साड़ी। लास्ट में ये देखिए, पल्लू में इस तरीके का ये वाला कलर दिया गया है, एंड बॉर्डर इस तरीके का है, ऐसा बॉर्डर दिया गया है यहाँ पे पल्लू में, यहाँ पे भी, और यहाँ पे इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी की गई है। ये देखिए, ऐसी एम्ब्रॉयडरी की गई है, ऐसी, एंड पूरे में ये छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी की गई है। पल्लू में आपको पूरे में इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी मिल जाता है, इतना सा, इतने में। उसके बाद फिर यहाँ से शुरू हो जाती है साड़ी ऐसी, ये इतना सा आपको येलो कलर मिल जाता है, इतना, और पूरे में इतना छोटा छोटा सा एम्ब्रॉयडरी किया गया है, एंड यहाँ से स्टार्ट हो जाती है साड़ी। तो साड़ी में ये नी के नीचे से, घुटने के नीचे से इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी मिलेगा, ये ऐसा बॉर्डर, बॉर्डर के ऊपर इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी किया गया है, ये देखिए, ऐसा भारी सा एम्ब्रॉयडरी किया गया है। एंड ये साड़ी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी पहनना चाहती हैं तो बहुत ही अच्छा है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी पहनना चाहती हैं 1000 के रेंज में, तो ये साड़ी ट्राई कर सकती हैं। ये पूरी ही साड़ी में, ये जहाँ से हम लोग प्लीट्स बनाते हैं वहाँ तक ये एम्ब्रॉयडरी आता है, इस तरीके का, ऐसा, जितना हम लोग रैप करते हैं उतना थोड़ा सा खाली छुटा हुआ है, उसके बाद ये मिल जाता है ब्लाउज का फैब्रिक। ब्लाउज का फैब्रिक है कॉटन ब्लेंड, एंड ब्लाउज में भी इस तरीके का ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ बॉर्डर मिल जाता है,
एंड साड़ी के फैब्रिक का मटेरियल है पॉली सिल्क, बहुत खराब फैब्रिक नहीं है, फैब्रिक का क्वालिटी अच्छा है, एम्ब्रॉयडरी अच्छी है, एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग अच्छी है, कहीं पे इधर उधर नहीं है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसका तो वुमेन वर्क बहुत ही घटिया था, बट इसका टू गुड, बहुत अच्छा है एम्ब्रॉयडरी, कहीं भी इधर उधर नहीं है। ये देखिए, फिर ये साड़ी 989 ही पड़ी है, तो सोचिए अंडर 1000 आपको इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी मिल जाती है, तो और क्या चाहिए। अगर आपको इसी तरीके की और भी साड़ियाँ देखनी है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं अगेन बोल रही हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अब चलिए थर्ड साड़ी देख लेते हैं गाइज। जो थर्ड साड़ी, ओ नो गाइज, जो थर्ड साड़ी है ये कुछ इस तरीके की है। ये बहुत ही कॉमन है, लगभग हर लेडी के पास एक ऐसी साड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कथा पूजा में, दुर्गा पूजा हो गया, इस तरीके की साड़ी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है एंड एलिगेंट लुक आता है इस तरीके की साड़ी के साथ। तो इस तरीके की एक साड़ी आपके पास जरूर होनी चाहिए। इतना सा इसमें पल्लू दिया गया है एंड उसके बाद स्टार्ट हो जाती है साड़ी। तो साड़ी कुछ इस तरीके की है, ये देखिए, साड़ी में इस तरीके का ऊपर के साइड में बॉर्डर मिल जाता है एंड नीचे के साइड में मिलता है इतना चौड़ा सा बॉर्डर। ये देखिए, इतना चौड़ा सा नीचे के साइड में बॉर्डर मिल जाएगा एंड पूरी ही साड़ी में इस तरीके का वुवन वर्क मिल जाता है, रेड एंड गोल्डन के कॉम्बिनेशन में। मुझे तो साड़ी मस्त लग रही है, आप लोग को कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पूरी ही साड़ी इस तरीके की है, ऐसी वुवन वर्क मिल जाता है एंड जितना हम लोग रैप करते हैं स्टार्टिंग में उतना प्लेन दिया गया है इसमें, बाकी जहां से प्लीट्स स्टार्ट होते हैं वहां से ये वुवन वर्क आ जाता है। ये है ब्लाउज का फैब्रिक, कपड़े का जो क्वालिटी है चीप नहीं है, अच्छा क्वालिटी है, सिल्क ब्लेंड है एंड ये इस तरीके का रेड कलर का बॉर्डर मिल जाता है स्लीव में डलवाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ अगर रेड ब्लाउज आता तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती साड़ी, बट अगर आपके पास कोई रेड है तो आप मिक्स एंड मैच कर सकती हैं। ये मुझे नहीं अच्छा लगा, इसकी जगह आप कोई रेड ब्लाउज बनवाएं या फिर एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज पहने तो भी अच्छा लगेगा। अगर आप बनारसी सिल्क साड़ियों के साथ एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज पेयर करती है ना तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। अगर इस ब्लाउज की जगह पेयर किया जाए एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज, तो अगर मैं ये साड़ी रखती हूँ तो मैं तो इसका ब्लाउज नहीं बनवाऊंगी। मेरे पास वैसे भी रेड कलर के कई सारे ब्लाउज रखे हैं बनारसी सिल्क साड़ी के, तो मैं वही पेयर करूंगी, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। और कथा पूजा के लिए ये साड़ी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। ये मुझे पड़ी है 931 की, आप लोगों को कैसी लग रही है। ये थी आज की तीनों साड़ियां, आपको तीनों में से कौन सी साड़ी सब ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दो साड़ी अंडर 1000 है एंड एक थोड़ा सा कॉस्टली है, 1000 के ऊपर है। अगर आपको इनमें से कोई साड़ी पसंद आती है तो मैं तीनों ही साड़ियों की बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप देना ना भूले। इस वीडियो का करती हूँ यही पेन, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।